हे गाइस, वेलकम टू बैक रिवोल्यूशन टेक चैनल। इस वीडियो में मैं इस ब्लैकबेरी पासपोर्ट के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड, इसके मतलब टेम्पर ग्लास जो लगा हुआ है, इसको रिमूव करके दिखाऊंगा इसके डिस्प्ले के अंदर कैसा होता है, और इसका ब्राइटनेस फुल करके दिखा दे रहा हूँ, इसका ब्राइटनेस कितना ब्राइट होता है। और ये ब्लैकबेरी पासपोर्ट मैंने टू गुड से लिया था, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ और तीन ब्लैकबेरी मोबाइल लिया था, ब्लैकबेरी बोल्ट, ब्लैकबेरी कार्ब, ब्लैकबेरी Z10, ये सभी मोबाइल अनबॉक्सिंग का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सभी मैंने टू गुड से लिया था, ये भी टू गुड से लिया हूँ। इसका रिव्यू मैं कुछ ही दिन में लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों का कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, तो मैं उस वीडियो में यहाँ पर डाल दूंगा। और इसका नीचे जो कीबोर्ड है उस पर स्लाइड करने पर ये मतलब ये स्लाइडिंग की तरह यूज़ होता है। और इसका रिव्यू के साथ कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा रिव्यू के वीडियो में। कीबोर्ड में आप इसको स्क्रॉल करके मतलब फेसबुक में यहाँ पर से आप इसको वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा हुआ था। चलिए इसको उठा के देख लेते हो इसके अंदर डिस्प्ले कैसा है, मतलब क्रैक या स्केच कुछ है कि नहीं। तब मैंने नहीं उठाया था, अब ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट नहीं लग रहा था इसलिए सोचा कि उठा लेता हूँ। देख सकते हैं इसके साइड से टेम्पर का दाग लगा हुआ है। चलिए इसको पूछ लेता हूँ। और ये मैंने 9800 में लिया था, देख सकते डिस्प्ले का लग रहा है अच्छा ही है, डिस्प्ले कोई भी स्क्रैच या दाग नहीं है। आप लोगों को भी दिखा दूँगा, पहले इसको पूछ लेते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रिफर्बिश्ड मोबाइल लेता हूँ, यूनिक यूनिक सा मोबाइल। इससे पहले मैंने बहुत सारा लिया था, ब्लैकबेरी और नोकिया भी, बहुत 10 साल 11 साल पुराना मोबाइल मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग किया हूँ, और iPhone 5s का भी किया हूँ, चाहे तो देख सकते हैं आप। सभी ब्रांड का मोबाइल का अनबॉक्सिंग मेरे इस चैनल पर है, देख सकते हैं इसका कंडीशन मोबाइल बहुत ही अच्छा है, और डिस्प्ले तो एकदम नया जैसा डिस्प्ले, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैकबेरी का ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी स्केच कुछ भी नहीं है, एकदम नया जैसा स्क्रीन है। कुछ ही दिन में इसका रिव्यू लाने वाला हूँ, आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और ये जियो सिम सपोर्ट करता है कि नहीं ये भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम मैंने डाउनलोड किया हूँ, व्हाट्सएप भी डाउनलोड किया हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर रखा है, सभी मैं रिव्यू में बता दूंगा। और इसके यहाँ पर देख सकते एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड है, सिंगल सिम मोबाइल है, नैनो सिम इस पर डाल सकते। और यहाँ पर स्क्रू भी सही तरीके से फिट है, मोबाइल का कंडीशन और अनबॉक्सिंग आप देख लेना। और यहाँ पर मैंने दो दो यूट्यूब इंस्टॉल कर रखा है। चलिए मिलते हैं इसके रिव्यू के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।